वक्फ बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में अपनी जमीन होने का दावा किया है और छत्तीसगढ़ सरकार से इन जमीनों पर कब्जा दिलाने की मांग की है, जिसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ एक बार फिर विवादों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि उसने दुर्ग जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कई जमीनों पर अपना मालिकाना हक जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से उसे उनके सुपुर्द करने की मांग की है। दुर्ग जिले में भी ऐसी कई जमीनें हैं जिस पर बोर्ड ने अपना हक जताते हुए उसे मांगा है और इस बात का विरोध खुले तौर पर लगातार देखने को भी मिल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भिलाई निगम में भी आम जनमानस में इस बात का विरोध जताते हुए जिन जमीनों की मांग वक्फ बोर्ड ने की है, उन जमीनों को अपने बाप दादा के समय की पुश्तैनी जमीन बताते हुए इन जमीनों को वक्फ बोर्ड को ना देने के लिए लिखित तौर पर विरोध प्रपत्र जमा करवाए। मौके पर उपस्थित विरोध प्रदर्शन करने वाले कई लोगों ने अपने अपने वक्तव्य में वक्फ बोर्ड के द्वारा गलत तरीके से मांगी गई जमीन का विरोध किया है और अपनी बातों में साफ कहा है कि इस जमीन पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। इस मामले को लेकर कुछ राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। इस मामले में दिगर पार्टियों के पदाधिकारी भी अपना विरोध प्रदर्शन करने कूद पड़े हैं। जी, इनका तो हर चीजों में दावा करने का ही है तो कुछ नहीं, खाली लोटा गिलास भी नहीं है। पहले लॉ जिहाद था, लॉ जिहाद के बाद लैंड जिहाद है। इन लोग किस चीज पे जिहाद करते रहेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ बेटियों को लेके जाते हैं, हाँ जमीन को कब्जा कर रहे हैं, सभी जमीन को बोला जा रहा है हमारा है। कहाँ से हमारा है? प्रूफ तो दे। इन लोग बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ प्रूफ देना पड़ता है। जो हम लोग यहाँ पुरखों से रह रहे हैं, जमीन उनका है, हिंदुओं का जमीन है ये सभी का, बिल्कुल सभी साठ गांठ है उनका। बिना साठ गांठ के इन लोग कहीं पर भी नहीं बोल सकते ये हमारा जमीन है। जहाँ देख लो, चाहे दुर्ग हो, चाहे भिलाई हो, चाहे बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, कहीं पर भी हो, अभी पुलगांव का आया है, हर जगह यही है। अपना अपने लोग दावा करते हैं। मुख्यमंत्री का पूरा शासन प्रशासन इनके साथ में मिला हुआ है। हम लोगों का तो अभी हम लोग जैसा सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं, अपना अपना जमीन हमारा है करके हम लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। अगर इस पर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो जैसे हमारे बड़े लोग भाई लोग जैसा भी चाहेंगे, उग्र आंदोलन पूरे गाँव वालों के साथ में हम करेंगे। अभी पिछले एक महीने से देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश में हर जगह पे भूमि को अपना बताने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश है, ये वर्तमान में जो प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, इनका संरक्षण प्राप्त है ऐसा प्रतीत होता है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार ही जमीन को कब्जा करना चाहती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी और जमीन की लड़ाई लड़ेगी, रोड की लड़ाई लड़ेगी। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, शत्रुओं की जमीन को आप बोल रहे हो कि मदरसे बन जाएं, मस्जिद बन जाएं, कब्रिस्तान बन जाएं, और वो भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम कहाँ हैं? साहू जी ने बताया ना अभी, कहाँ हैं मुसलमान कि उनको वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी जाए? क्या छत्तीसगढ़ का भाव प्रवण छत्तीसगढ़ी अपनी जमीन की मालिकाना हक का अधिकार नहीं ले सकता आपसे? अधिकार सबसे पहले हिंदू समाज का है, छत्तीसगढ़ी समाज का है, देवांगन समाज का है, साहू समाज का है, निषाद समाज का है, यहाँ के नागरिक समाज का है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की प्रासंगिकता छत्तीसगढ़ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी और गृहमंत्री जी ये संज्ञान लें कि यहाँ से भिलाई में हम, आप दावा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, हमारा नागरिक समाज यहाँ आपत्ति कर रहा है। ये आपत्ति की श्रृंखला ना बन जाए, कोरबा से लेके कोतमा तक, कोतमा से लेके जगदलपुर से कवर्धा तक, कवर्धा से लेके दुर्ग तक। दुर्ग के लोगों ने अभी बता दिया, 1700-1800 लोगों ने वहाँ पे वक्फ बोर्ड के दावे पे आपत्ति की। आपको वो दावा या वो आप उनकी जो ये थी अतिक्रमण की बात थी, उसको आपने खारिज किया। आप भिलाई में भी करिए, कचांदूर में करिए, कुरुद में करिए, आप जेवरा सिरसा में करिए, आप जामुल में करिए, आप ढार गांव में करिए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को वक्फ बोर्ड को आप विलयन कर दें या उसका पूरी तरह से आप उनका वो कर दें, खात्मा कर दें। आप संगीत यहाँ पे संगीत नहीं बजाने आए हैं हम लोग, यहाँ आंदोलन का नगाड़ा बजाने आए हैं छत्तीसगढ़ी समाज। और छत्तीसगढ़ी समाज के साथ हम जैसे बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा भी है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी भी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आपके कांग्रेस के इस हिटलरी फरमान का हम विरोध करते हैं। आप ये बात संज्ञान में ले लीजिए, वरना खैर नहीं।
आपको मैं बता रहा हूँ, आपको चेता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, इस बात को तुरंत यही खत्म करिए, वक्फ बोर्ड का तुरंत तुरंत विलयन कर दीजिए। यहाँ घाट का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कलेक्टर, SP, सब मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक भी आवेदन किया। उसके बावजूद भी, उसका विरोध करने के बावजूद भी, प्रचंड विरोध करने के बावजूद, अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड के द्वारा फिर एक नोटिस जारी किया है कि गांव के किसी किसान का भी जमीन जो आवास के नाम से लिए थे, उसको मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के नामक एक संस्था, जो हमारे छत्तीसगढ़ में आके पैर पसारे कोशिश कर रहे थे, एक हम सख्त विरोध कर रहे थे, ओकरे कारण हमारे गांव के हर घर से एक परिवार निश्चित रूप से आज यहाँ उपस्थिति दर्ज करके अपन आपत्ति दावा कर रहे थे। हम नहीं चाहन कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे गांव में, हमारे क्रूर गांव में एक भी मुसलमान पहले भी नहीं रही से और आज भी नहीं है। जब एक भी मुसलमान नहीं है तो अगर मस्जिद का भर, जहाँ मस्जिद बनते तो जमीन के भाव एकदम गिर जाते, एक तो गरीब किसान मन के भाव कटकर गिर जाए, और वो हमरो गांव में एक सतनामी समाज है, कबीरपंथी समाज है, ओकर दफनाए पर भी हम जगह नहीं है, और इसने ला ला के सब जमा कर दी, तो हमारे गांव के नागरिक मन कहाँ जाए। एक हम सख्त विरोध करते हैं, हमारे गांव में कल मुनादी हुआ है, ये जते का आदमी आए हैं और आने वाला है, पूरा ट्रैक्टर में महिलाएं सहित आने वाला है, एक सख्त विरोध करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब बिल्कुल होना नहीं चाहिए, हमारे क्रूर में तो नहीं होना चाहिए। आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नज़र आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, क्यों परेशान है पूरा शहर, क्यों परेशान है पूरा ज़िला, क्यों परेशान है पूरा देश और छत्तीसगढ़, खासकर छत्तीसगढ़। इसलिए यह एजाज ढेबर की सरकार चल रही है, कठपुतली मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, पैसे के दम पर ढेबर की सरकार चल रही है। रायपुर के हर गली चौराहे पर तो रोहिंगा बस चुके हैं, अपना धंधा जमा चुके हैं, उनके नगर बस चुके हैं, यहाँ हथखोज में रोहिंग्याओं की एक बस्ती बस चुकी है, और अब जो बाकी रोहिंग्या आएंगे उनको जमीन देने के लिए, बसाने के लिए जमीन देने के लिए एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था है, जिसको कांग्रेस ने बनाया है। ये राक्षस कांग्रेस का दिया हुआ है, यह राक्षस हर जगह दावा कर रहा है कि ये जमीन मेरे बाप की है, ये जवान जमीन मेरी है, ये जमीन मुझको दी जाए, और उसी प्रकार का दावा दुर्ग में किया गया था, उसी प्रकार का दावा खेदा मारा, जामूल, कुरुद, आसपास के गांव हैं, छावनी, चारों तरफ किया जा रहा है। और ऐसे दावे के खिलाफ जिनकी कोई यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्या हिंदुस्तान में कोई जमीन नहीं थी, जो कि सब प्रवासी हैं, जो कि जिनके परनाना का नाम देखोगे रामदास और रतिदास आएगा, ये तमाम लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर जो बदमाशी कर रहे हैं भूपेश बघेल के संरक्षण में, उसके खिलाफ अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए, अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए, खासकर जो ग्रामीण जनता है, आम आदमी है, उनके आक्रोश को, उनके भावना को अभिव्यक्ति देने के लिए हम तमाम लोग यहाँ तहसील कार्यालय में आए हुए हैं। देखिए ऐसे बुजुर्ग आए हुए हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं, कई लोग गए अपनी आपत्ति दर्ज करा, तमाम लोग अभी वापस आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में जिस प्रकार का जनता को आक्रोशित करने का उपक्रम किया जा रहा है, जिस प्रकार जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, उनको जिस प्रकार बसाया जा रहा है, व्यापार के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और उनको पालने वाली जो संस्था है, रावण रूपी कांग्रेस का दिया हुआ जो वक्फ बोर्ड है, जगह जगह दावेदारी कर रहा है, इस दावेदारी को रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आग लगेगी, देश में आग लगेगी, और ये खासकर कांग्रेस के लिए, भूपेश सरकार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी देने के लिए और जो उन्होंने दावा की है उसको निरस्त करने के लिए ये तमाम लोग अभी शांतपूर्ण तरीके से आए हैं, आवश्यकता पड़ी तो जैसे को तैसा जवाब देने भी आता है, वो जवाब भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बता दें कि जब भी चुनावी सीजन आता है तब दिगर पार्टियों के नेताओं द्वारा बहुत से वादे मुस्लिम समाज के लोगों से किए जाते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए जमीन देने का वादा भी शामिल होता है, और जब जमीन देने की बारी आती है तो वही पार्टियां अपनी लाचारी और मजबूरी बताकर मामले को टाल दिया करती है। यहाँ देखना होगा कि इस बार वक्फ बोर्ड द्वारा मांगी गई जमीन उन्हें मिल पाती है या फिर एक बार मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।